राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में लंपी वायरस फैल रहा है। यह वायरस पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे पशुओं की मौत तक हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को गोपालकों और पशुपालकों के नाम संदेश जारी किया। इस संदेश में उन्होंने पशुओं को बचाने के उपाय और सावधानियां बरतने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संदेश जारी करते हुए बताया कि जिन पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार आना, आंख और नाक से पानी बहना, पैरों में सूजन और दूध उत्पादन में गिरावट आने जैसे लक्षण दिखाई दे, यह लंपी वायरस के लक्षण हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस से बचने के उपाय भी बताए। मेरे प्रिय गोपालक और पशुपालक बहनों और भाइयों, हमारे पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस तेजी से मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं को, विशेषकर गो माता को, मां मानकर पूजा करते हैं। गो माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है, सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारा पशुधन गहरे संकट में आएगा। हम वैसे भी जो चेतना मनुष्य में है वही प्राणियों में भी देखते हैं, और इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण में, चाहे गोवंशी हो या भैंस वंशी हो, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी सम्मिलित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम तत्काल इसके रोग के लक्षण पहचाने। लंपी वायरस से संक्रमित होने वाले पशुओं में कई तरह के बदलाव आते हैं। अगर आपके पशुओं में यह लक्षण दिख रहे हो तो तत्काल उनका इलाज करवाएं। संक्रमित होने पर पशुओं को बुखार आने लगता है और वह सुस्त हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों से पानी और मुंह से लगातार लार निकलने लगती है, शरीर में गठाने पड़ने लगती है, ये गठान गोल और उभरी हुई होती है, पशुओं का वजन कम होने लगता है और पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसे उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। दूध देने वाले पशुओं का दूध या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर काटने वाली मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, लेकिन यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती। इसलिए इस तरह का डर मन में ना आए। पशुओं के संक्रमित होने के बाद यह वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि कुछ सावधानियां रखकर पशुओं को संक्रमित होने से बचाया जाए। जो सावधानी है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी एक पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से अलग कर दें और पशुओं के डॉक्टर से संपर्क करें। पशुओं को मक्खी, मच्छर, जू आदि परजीवियों से बचाकर रखें। संक्रमित इलाके में कीटाणुनाशक का छिड़काव करें। लंपी वायरस से मृत पशुओं के शव को खुले में ना छोड़ें, बल्कि गहरा गड्ढा करके उसमें दफना दें। सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसलिए टीकाकरण कराएं। हमारे पशु चिकित्सक और बाकी अमला उपचार और रोग के संबंध में
आपको सहयोग करने के लिए और परामर्श देने के लिए उपलब्ध है। सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन चिंता तो हम सबको मिलकर करनी है। जैसे COVID-19 से इंसानों के बचाव के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अपने गोवंश के लिए, बाकी पशुओं को बचाने के लिए हमको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आइए पूरी तरह से लंपी वायरस को हराने के लिए हम कमर कस लें और जुट जाएं। धन्यवाद।